गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज किंग वाक्रनासा। वंस देयर वॉज अ प्रिंसेस कॉल्ड माया, शी वॉज अ वेरी प्राउड गर्ल। एक बार एक प्रिंसेस थी जिसका नेम था माया और वो एक बहुत ही प्राउड गर्ल थी। प्राउड गर्ल मीन्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड था। हर फादर नाहर सिंह वॉज अ पायस मैन, और उनके जो फादर थे नाहर सिंह वो एक पायस मैन थे। पायस मैन मींस जो कि रिलीजन्स में बिलीव करते हैं, रिलीजियस मतलब थे वो बहुत ज़्यादा। व्हेन प्रिंसेस माया ग्रीव अप दे अरेंज्ड हर स्वयंवर। जब प्रिंसेस माया बड़ी हो गई तो उनके लिए एक स्वयंवर रखा गया। दिस इज़ अ फंक्शन इन विच ऑल द किंग्स हु वांट टू मैरी माया आर इनवाइटेड एंड शी वुड चूज हर हस्बैंड हरसेल्फ फ्रॉम द इनवाइटेड किंग्स एंड प्रिंसेस। अब यहाँ जो स्वयंवर था ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सारे किंग्स को जो कि माया से प्रिंसेस माया से मैरी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनको इनवाइट किया गया था और उनमें से ही किसी एक को जो माया है वो चूज़ करती कि उनको कौन एज अ हस्बैंड चाहिए। ग्रेट किंग्स ऑफ ऑल द किंगडम्स केम फ्रॉम द स्वयंवर माया सॉ ईच ऑफ देम एंड मेड फनी कमेंट्स। अब जो इतने भी किंगडम्स में अच्छे अच्छे किंग्स थे वो सब आए स्वयंवर के लिए। माया ने सबको देखा और सबके ऊपर फनी कमेंट्स पास किए। फॉर हर वन वॉज अ टॉल क्रेन, द अदर वॉज अ फैट कब। उनके जो माया थी उसके लिए कोई एक टॉल क्रेन था, लाइक एक बहुत बड़ी सी क्रेन था। द अदर वॉज अ फैट टब, और कोई उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटा था। अदर वॉज रावण राक्षस, और कोई उनके लिए रावण जैसा था। और एन एट लेग स्पाइडर एंड सो ऑन, और कोई उनके लिए जैसे एक स्पाइडर की तरह था। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे लोगों पर कमेंट्स पास किए। अमंग देम वॉज अ ग्रेट किंग, और उनमें से एक बहुत ज़्यादा ग्रेट किंग था। माया सॉ हिम एंड कमेंटेड दैट ही वॉज वाक्रनासा, और माया ने उनको देखा और उनके ऊपर क्या कमेंट किया, वाक्रनासा, क्रूग नोज, जिसकी नोज बहुत क्रूग्ड होती है। ऑल द असेंबल्ड पीपल लाफ, और जितने भी वहाँ पर लोग थे वो हंसने लगे। देन माया टोल्ड हर फादर दैट ऑल ऑफ द किंग्स असेंबल्ड देयर नन वर टू हर लाइकिंग। फिर जो माया थी उन्होंने अपने फादर को बताया कि जितने भी किंग वहाँ पे असेंबल्ड मीन्स जितने भी किंग वहाँ पर आए थे उनमें से कोई भी उनकी पसंद का नहीं है। नाहर सिंह बिकेम वेरी एंग्री एंड टोल्ड, इफ दिस इज़ द केस यू विल नेवर गेट मैरिड। अब नाहर सिंह उनकी ये बात सुनकर गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए, और उन्होंने बोला कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी जो शादी है वो कभी नहीं हो पाएगी। आई विल गिव यू इन मैरिज टू द फर्स्ट मेल बेगर हु कम्स टू माई पैलेस। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी बेगर मीन्स लाइक जो बेग करते हैं, भीख मांगते हैं, उनमें से जो भी पहला मेल बेगर हमारे पैलेस पर आएगा मैं तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वन बेगर केम टू द पैलेस एंड रिक्वेस्टेड फॉर सम फूड। और नेक्स्ट मॉर्निंग उनके पैलेस पर एक बेगर आया और उसने उनसे कुछ खाने के लिए मांगा। द वॉचमैन टुक हिम टू नाहर सिंह, और जो वॉचमैन था वहाँ का वो उसे नाहर सिंह के पास ले गया। द बेगर अगेन आस्क फॉर फूड, और जो बेगर था उसने फिर से फूड मांगा। देन द किंग टोल्ड हिम डेफिनेटली आई विल गिव यू फूड फॉर टुडे बट आई विल ऑल्सो गिव यू प्रिंसेस माया। अब उन्होंने क्या बोला कि बिल्कुल मैं तुम्हें फूड तो दूंगा ही, लेकिन मैं तुम्हें उसके साथ क्या दूंगा, प्रिंसेस माया। दो द प्रिंसेस प्रोटेस्टेड शी वॉज गिवन इन मैरिज टू द बेगर। अब प्रिंसेस ने प्रोटेस्टेड मीन्स मतलब इस चीज़ के खिलाफ बोला कि मुझे नहीं करनी है शादी, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई और उनकी शादी एक बेगर से कर दी गई। नेक्स्ट डे द बेगर टोल्ड माया इट इज़ टाइम फॉर अस टू गो टू आर होम। अब नेक्स्ट डे जो बेगर था उसने माया से बोला कि अब टाइम हो गया है कि हम अपने घर चलें, सो प्लीज स्टार्ट। तो उसने क्या बोला कि अब हम चलते हैं। व्हेन माया केम आउट ऑफ द पैलेस शी केम टू नो दैट दे हैव ओनली टू वॉक। जब माया पैलेस से बाहर निकली तो उन्हें पता चला कि उनको जहाँ भी जाना है वहाँ पर चलकर जाना पड़ेगा। ऑल द नेक्स्ट डे दे वॉकड एंड दे रीच्ड अ बिग ग्रेप गार्डन, और पूरे नेक्स्ट डे वो चले, नेक्स्ट डे तक उन्होंने वॉक किया और एक वो बिग ग्रेप गार्डन में पहुँच गए, बड़े से गार्डन में। माया आस्क द बेगर हुम डज दिस गार्डन बिलोंग टू, और माया ने उस बेगर से पूछा कि ये गार्डन किसका है। द बेगर रिप्लाइड ऑफ कोर्स टू द किंग वाक्रनासा।
अब उसने क्या बोला कि ये जो गार्डन है वो किसका है, किंग वाक्रनासा का। माया फेल्ट सैड दैट शी हैड नॉट मैरिड किंग वाक्रनासा। अब माया ये सोचकर सैड हो रही थी कि उसने वाक्रनासा से शादी क्यों नहीं करी थी। तब दे वॉक फर्दर एंड सॉ अ वेरी बिग ब्यूटिफुल प्लेस पैलेस। अब वो थोड़े आगे चले तो उन्होंने एक बड़ा सा ब्यूटिफुल पैलेस देखा। माया अगेन आस्क्ड हुम डज दिस पैलेस बिलोंग टू। अब माया ने फिर से पूछा कि ये पैलेस किसका है। द बेगर रिप्लाइड ऑफ कोर्स टू किंग वाक्रनासा। अब उसने बेगर ने फिर से क्या बताया कि ये किंग वाक्रनासा का है। माया फेल्ट फर्दर सेड दैट शी हैड नॉट मैरिड किंग वाक्रनासा। अब वो और ज़्यादा ये सोच सोच कर परेशान होने लगी, दुखी होने लगी कि उसने किंग वाक्रनासा से शादी क्यों नहीं करी। दे वॉक फर्दर एंड रीच्ड अ वेरी ग्रेट टाउन। अब वो थोड़ा और आगे चले तो उनको एक बहुत अच्छे टाउन में वो पहुँच गए। माया आस्क्ड हुम डज दिस टाउन बिलोंग टू। अब माया ने पूछा कि ये टाउन किसका है। द बेगर रिप्लाइड ऑफ कोर्स टू किंग वाक्रनासा। और फिर से बेगर ने उसे क्या बताया कि किंग वाक्रनासा का है। माया ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग। द बेगर चिडेड हर एंड टोल्ड यू हैव नॉट मैरिड किंग वाक्रनासा, यू आर माई वाइफ सो यू शुड नॉट विश फॉर ऑल दीज थिंग्स। अब माया जो थी वो बिल्कुल मतलब रोने लगी। द बेगर चिडेड हर एंड टोल्ड। चिडेड मीन्स उसने उसको स्कोल्ड किया, डांटा और बोला कि अब तुम्हारी शादी किंग वाक्रनासा से नहीं मुझसे हुई है, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए मतलब सोचना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेंगी। देन आउटसाइड द टाउन दे वेंट नियर अ स्मॉल हट। माया आस्क्ड हुम डज द दिस नेस्टी हट बिलोंग। अब जब वो टाउन से बाहर निकले तो उन्होंने वहीं पर पास में एक छोटी सी हट थी। अब माया ने पूछा कि ये हट किसकी है। द बेगर रिप्लाइड इट बिलोंग्स टू मी एंड फ्रॉम नाउ ऑन इट इज़ योर्स ऑल्सो। अब बेगर ने क्या बोला कि ये जो हट है ये मेरी है और अब से ये तुम्हारी भी है। एंटर द हट एंड क्लीन इट अप। और उसने क्या बोला कि अब तुम हट के अंदर जाओ और इसको क्लीन कर दो। माया फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एंटर द हट। लेकिन माया को ये बहुत मुश्किल लगा हट के अंदर जाना। शी डिड नॉट नो हाउ टू क्लीन द ब्रूम स्टिक, हाउ टू क्लीन विद अ ब्रूम स्टिक। उसको नहीं पता था कि ब्रूम स्टिक के साथ क्लीनिंग कैसे होती है। ब्रूम स्टिक मीन्स झाड़ू से क्लीनिंग कैसे की जाती है। शी आज द बेगर वेयर आर सर्वेंट्स। अब उसने बेगर से पूछा कि हमारे सर्वेंट्स कहाँ हैं। द बेगर रिप्लाइड वी आर टू पुअर, वी डू नॉट हैव सर्वेंट्स। और उसने बेगर ने क्या बोला कि हम तो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, गरीब हैं और हमारे पास कोई सर्वेंट्स नहीं हैं। इन फैक्ट फ्रॉम टुमारो यू हैव टू डू सम वर्क। देन द बेगर आस्क्ड हर टू कुक, शी हैड नेवर कुकड इन हर लाइफ। और उसने क्या बोला कि इन फैक्ट कल से तुम्हें सारे काम करने हैं और तुम्हें कुकिंग भी करनी है, लेकिन जो प्रिंसेस थी उन्होंने कभी भी कुकिंग नहीं करी थी। द बेगर ऑल्सो टॉट हर टू कुक। अब बेगर ने उनको कुक करने के लिए भी बोला। ही आस्क्ड हर टू मेक बास्केट सो दैट ही कैन सेल देम इन द मार्केट। और उसने क्या बोला कि अब तुम्हें बास्केट्स भी बनानी है ताकि वो उसको मार्केट में जाकर सेल कर सके। बट हर हैंड स्टार्टेड ब्लीडिंग। लेकिन उसके जो हैंड्स थे वो ब्लीडिंग मतलब उनमें से खून आने लगा वो बास्केट्स बनाते बनाते। देन ही आस्क्ड हर टू मेक टॉयज। और तो उसके बाद उसने क्या बोला उनसे बनाने के लिए टॉयज, सो दैट ही कैन सेल देम इन द मार्केट, ताकि वो भी वो मार्केट में जाके सेल कर सके। बट देन हर हैंड स्टार्टेड पेनिंग। लेकिन ये करते करते उनके हैंड्स पेन करने लगे, दुखने लगे। सो ही टोल्ड हर यू डू नॉट नो एनी वर्क सो यू बेटर सेल पॉट्स इन द मार्केट। अब उसने क्या बोला कि तुम्हें तो कुछ भी काम करना नहीं आता, इसलिए तुम अब एक काम करो, तुम जाकर पॉट्स को सेल करो मार्केट में। दो माया फेल्ट बैड दैट सम ऑफ हर फादर्स पीपल विल सी हर एंड लाफ एट हर, शी अग्रीड। अब जो माया थी वो ये सोचकर बैड फील करने लगी, सैड हो गई कि उसके जो फादर के जो लोग हैं जो काम करते थे उसके फादर के लिए, वो उसको देखेंगे और उस पर हंसेंगे। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे शी वॉज एबल टू सेल लॉट ऑफ पॉट्स। अब पहले दिन से ही वो काफ़ी सारे पॉट्स सेल करने लगी। दे वर एबल टू बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। और वो मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदने भी लगे। बट आफ्टर अ वीक वन पुलिसमैन केम टू द मार्केट वेयर शी वॉज सेलिंग पॉट्स एंड ब्रोक ऑल ऑफ देम। लेकिन जैसे ही एक वीक निकला तो एक पुलिसमैन वहाँ मार्केट में आया और उसने उसके सारे पॉट्स तोड़ दिए। माया क्राइड बैडली। द बेगर देन टोल्ड हर प्लीज डू नॉट क्राई, आई हैव अ फ्रेंड इन द पैलेस। अब माया रोने लगी तो बेगर ने बोला कि तुम रो मत,
मेरा एक फ्रेंड है पैलेस में, ही हैज़ अग्रीड टू गेट यू अ जॉब एज द कुक्स असिस्टेंट. अब उन्होंने तुम्हें एक जॉब दी है कुक के असिस्टेंट की. माया अग्रीड और माया इस जॉब के लिए मान गई. इन द पैलेस द चीफ कुक ट्रीटेड हर वेरी बैडली. और पैलेस में जो चीफ कुक था, जो उसने उस माया के साथ बहुत बैडली बिहेवियर किया, उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया. अपार्ट फ्रॉम डूइंग वर्क शी हैड ऑल्सो हैड टू टेक अ बैग फ्रॉम होम एंड ब्रिंग द बैगर फूड फ्रॉम द पैलेस. और सिर्फ काम करने के अलावा उसको बैग भी लाना पड़ता था घर से, ताकि वो बैगर को फूड दे आए पैलेस से. वन डे द कुक टोल्ड दैट द किंग वॉज गेटिंग मैरिड. अब कुक ने एक दिन उसको बताया कि जो किंग है वो मैरी, मतलब शादी कर रहा है. माया हैड टू सर्व फूड फॉर टू द गेस्ट. और माया को सारे गेस्ट्स को खाना देना है, सर्व करना है. शी वॉज गिवन अ गुड ड्रेस टू वियर. और उसको एक अच्छी सी ड्रेस दी गई पहनने के लिए. व्हेन शी वॉज क्राइंग एंड सर्विंग फूड शी सॉ किंग बाकरनासा. और जब वो रो रही थी और खाना सर्व कर रही थी, तो उन्होंने किसको देखा? किंग बाकरनासा. ही कॉल्ड कॉट होल्ड ऑफ हर एंड ड्रैग्ड हर टू द मैरिज हॉल. उसके बाद उसने, जो किंग वाक्रनासा थे, उन्होंने उसको पकड़ा और ड्रैग मीन्स खींचते हुए उसको कहाँ ले आया? मैरिज हॉल में. द फूड शी वॉज कैरिंग फॉर हर हस्बैंड फेल ऑल ओवर द फ्लोर. और जो भी फूड वो अपने हस्बैंड के लिए ले जा रही थी, वो सब फ्लोर पर गिर गया. ऑल पीपल हु वर देयर मेड फन ऑफ हर एंड लाफ. जितने भी लोग वहाँ पर थे वो उसको देख कर हंसने लगे. माया स्टार्टेड क्राइंग वेरी लाउडली. और माया उसके बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी. देन किंग वाक्रनासा केम नियर एंड टोल्ड हर, प्रिंसेस माया डू नॉट क्राई. उसके बाद जो किंग थे वाक्रनासा, वो उसके पास आए और उनसे बोला, प्रिंसेस माया, आप रोइए मत. आई एम योर हस्बैंड, मैं आपका हस्बैंड हूँ. टिल नाउ आई वॉज द वन हु वॉज एक्टिंग लाइक अ बेगर. वो अभी तक मैं ही था जो आपके साथ एज अ बेगर बिहेव कर रहा था. आई वॉन्टेड यू टू लर्न हाउ टू लिव. मैं चाहता था कि आप सीखें कि कैसे जिया जाता है, कैसे लिव, कैसे रहा जाता है. आई वॉन्टेड यू नॉट टू बी प्राउड. और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी घमंड रहे. माया स्माइल्ड एंड सॉ दैट हर पेरेंट्स ऑल्सो हैड कम. और माया ये देख कर स्माइल करने लगी कि उसके पेरेंट्स भी वहाँ आए हैं. सो द प्राउड प्रिंसेस माया बिकेम द वेरी गुड क्वीन ऑफ द किंग वाक्रनासा. और उसके बाद जो प्राउड, जो घमंडी प्रिंसेस माया थी, वो बहुत अच्छी क्वीन बनी किंग वाक्रनासा की.